अब जो गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं मेल बुक्स, वो जैसे आपके थे तो क्या फीलिंग थी आपको, क्यों गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट करवाना जरूर पड़ी? वो बचपन में जब 8वीं कक्षा में था तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे जी जो चीज थे वो एब नॉर्मल है, दूसरों की तरह नहीं है। और फिर 8वीं में मैंने तब भी बताया था डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि अभी छोटा है इसलिए अभी थोड़े थोड़े से के बाद करवा लेना। इसलिए मैंने अभी 31 ईयर के आजू बाजू फिर शादी के बाद सर्जरी कराने को सोचा। ओके, जैसे आपने सर्जरी के प्लान कर लिया था तो आपको डॉक्टर आशुतोष शाह एलिगेंस क्लिनिक का आपका कॉन्टेक्ट कैसे हुआ? ऐसा मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा गायनेकोमेस्टिया के बारे में मुझे भी है, तो मैंने उस पे सर्च किया तो उसमें एक वीडियो था डॉक्टर आशुतोष का एलिगेंस क्लिनिक सूरत का, तो मैंने वो दो चार वीडियो थे उनके तो मैंने वो देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि सर्जरी कराने से बहुत ही ईजी है करवाने में और उसका कुछ साइड इफेक्ट बहुत कम है, तो फिर मैंने उसके बारे में सर्जरी कराने के लिए इसके लिए सोचा मैंने और उनका कॉन्टेक्ट किया। ओके, जैसे आपने कॉन्टेक्ट वहाँ से किए थे तो एलिगेंस क्लिनिक से रिस्पॉन्स कैसा था? मैंने जब यूट्यूब पे कमेंट लिखा तो फिर उनका कमेंट सामने से उनका आंसर आया, तो उन्होंने मुझे मोबाइल नंबर भेजा तो मैंने उस पर कॉल किया उनको, तो फिर फोन किया और मैंने अपना जो मेरे गायनेकोमेस्टिया है उसके बारे में मैंने सब कुछ उनको बताया, तो उन्होंने भी मुझे समझाया पूरा कि ऐसा ऑपरेशन होता है और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसा कुछ होता नहीं, बहुत नॉर्मल सर्जरी है और डॉक्टर आशुतोष है वो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है इस सर्जरी के लिए। ओके, तो ज़्यादातर आपके कंसल्टिंग ऑन कॉल व्हाट्सएप से और कॉलिंग से ही हो चुका था। तो और एक बात सर, जैसे आपने कंसल्टिंग कर ले करने के लिए जैसे अपॉइंटमेंट आपको फोन किया था तो वो आराम से आपको मिल चुकी थी? हाँ, मैंने फोन किया तो वहाँ पे डॉक्टर भार्गव ने फोन रिसीव किया मेरा पहले और उनसे बात हुई मेरी, और फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार आके यहाँ पे डॉक्टर साहब पे अपॉइंटमेंट ले लीजिए और यहाँ पे एक बार चेकअप करवा लीजिए, फिर मैंने उस हिसाब से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई और मैं यहाँ पे आया। ओके, जैसे आपने कंसल्ट करने के लिए आप एलिगेंस क्लिनिक में आए थे तो डॉक्टर आशुतोष ने आपसे कंसल्ट करने का टाइमिंग कितना लिया था? डॉक्टर आशुतोष ने जो टाइमिंग लिया वो 15-20 मिनट में मेरा पूरा चेकअप कर लिया उन्होंने और ज़्यादा देर नहीं हुई लगी उसमें। ओके, तो वो पूरा कंसल्टिंग में आपको जो भी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके थे? हाँ, पूरा डाउट क्लियर हो गया था, छोटी छोटी सी जो मेरा छोटे से छोटा डाउट था वो भी क्लियर हो गया था। ओके, और जैसे बात करें डॉक्टर आशुतोष और एलिगेंस टीम से, आपको सर्जरी के पहले की केयर आपको यहाँ से बराबर समझाई थी? हाँ, उन्होंने बताया था कि सर्जरी के पहले क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। ओके, क्या? ओके। और एक चीज जैसे सर्जरी की डेट्स आपको आराम से मिल चुकी थी? हाँ। राइट, तो सर्जरी के दिन का माहौल आप बताइए। उस दिन मैं आया था तो फिर यहाँ पे थोड़ा नर्वस था, फिर यहाँ का जो स्टाफ है भार्गव सर है, चेतन सर है, उन्होंने मुझे समझाया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ का जो पूरा स्टाफ बहुत फ्रेंडली था, जो आपको जो डर लगता था वो फिर मुझे फील ही नहीं होने दिया उन्होंने। ओके, और जैसे आप ऑपरेशन थिएटर में गए तो एनेस्थेटिक और डॉक्टर आशुतोष शाह का उसके लिए आप कुछ बताइए। मैं जब ऑपरेशन थिएटर में गया डॉक्टर आशुतोष शाह ने पहले तो मेरा मार्किंग किया, फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में उस पर लिटाया मुझे और फिर वो एनेस्थेसिया दिया और उसके बाद मेरी आँख खुली तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था और मैं बेड में था। ओके, तो ऑपरेशन के बाद की केयर एलिगेंस क्लिनिक से कैसी थी? उन्होंने ऑपरेशन के बाद के भी जो सभी सावचेत या जो सावधानी रखनी चाहिए उनके बारे में पूरे पूरा डिटेल दिया था मुझे कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करने का, वो सभी मुझे विस्तारपूर्वक समझाया था। ओके, एलिगेंस टीम से मतलब आपको जो सर्जरी के बाद की केयर आपको कैसे फील कर रहा है? पहले सर्जरी के पहले मैं ये जो गायनेकोमेस्टिया लेके घूमता था तो कई जगह जाता था, तो वहाँ पे कपड़ा चेंज करने में बदलने में कोई शादी में जाता था या कोई फ्रेंड के साथ कहीं पे टूर पे जाता था तो बहुत दिक्कत होती थी, सभी फ्रेंड्स के सामने बहुत शर्म आती थी कि क्या करो, कैसे शर्ट निकालो या नहीं निकालो, या वो ज़्यादातर मैं जाता ही नहीं था उनके साथ टूर पे। ओके, और अभी सर्जरी तो के बाद अब क्या? अभी सर्जरी के बाद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा जो बोझ है वो हल्का हो गया और अभी मेरा
भी चेस्ट दूसरे नॉर्मल है दूसरे लड़कों की तरह, और मैं भी अब सभी जगह घूम फिर सकता हूँ। ओके okay. जैसे बात करी जाए कि सर्जरी के बाद एलिगेंस की यहाँ से आपको टेलीफोनिंग बातें हो रही थी, कैसे हो रही थी वो आप बताइए थोड़ा। वहाँ पे सर्जरी के बाद मुझे बहुत पहले पेन होता था, मैं जब भी फोन करता था कि सर ऐसा है, तो सभी बार फोन मेरा रिसीव करते थे वो कि सर ये तकलीफ हो रही है मुझे, यहाँ बहुत पेन हो रहा है, और ये कैसे मैं गारमेंट पहनूँ, कैसे निकालूँ, कैसे नहाऊँ, कैसे दवाइयाँ लाऊँ। मैंने हर बार फ़ोन किया उनको, तो उनका स्टाफ इतना अच्छा है कि सभी बार मेरा फ़ोन रिसीव किया है उन्होंने और पूरे पूरा सपोर्ट मुझे दिया है। अब ये गायनेकोमेस्टर ट्रीटमेंट के लिए कहीं और भी कंसल्ट किया था? हाँ, मैंने अहमदाबाद में कंसल्ट किया था, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने चेकअप करवाया था पहले मेरा, तो उन्होंने जो अपने उनकी टेक्निक थी जो उसमें क्या था कि वो जो स्कार जो बनता है और जो इंसिजन रखते हैं ग्लैंड निकालने के लिए, तो वो बहुत वो निप्पल के थोड़ा नीचे रखते हैं और वहाँ पे जो स्कार आता है वो बहुत बड़ा आता है, तो फिर मेरे में मगज में डाउट था कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा स्कार आएगा, इसलिए फिर मैंने डॉक्टर आशुतोष का कॉन्टेक्ट किया एलिगेंस का, तो वहाँ पर मैंने कंसल्ट किया, तो सर ने बोला कि यहाँ पर आपको मिनिमम स्कार आएगा ना के बराबर आएगा, और फिर इसलिए मैंने फिर यहाँ पे अपना सर्जरी करवाने के लिए मैंने यहाँ पे सोचा। ओके okay. और जैसे आपने अभी सर्जरी हो चुकी है, तो जो आप मन में डाउट्स लेकर घूम रहे थे कि भी बड़ा स्कार हो सकता है, तो अभी स्कार के लिए आप क्या बता सकते हो कि आपको स्कार है या नहीं दिख रहा है? अभी स्कार ना के बराबर दिख ही नहीं रहा, इनविजिबल है, आपको माइनर एक बहुत एक 4-5 mm का स्टार आएगा, मगर वो भी हिडन जगह पे होता है, तो आपको कुछ नॉर्मली दिखाई नहीं देता। ओके ओके। और एक चीज, जैसे डॉक्टर आशुतोष शाह एलिगेंस क्लिनिक में गायनेकोमेस्टिया के अलावा भी हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट सर्जरी और बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स यहाँ पे करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी कलीग को ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अगर कोई करवाना चाहता है तो आप क्या डॉक्टर आशुतोष शाह को सजेस्ट करोगे? मेरे अपने सभी जो ऐसे मेरे जैसे जो मेरे दोस्त हो या मेरे सगा संबंधी रिश्तेदार हो, उन सभी को बताऊंगा कि आपको यदि ऐसी कोई सर्जरी करवानी है गायनेकोमेस्टिया के हेयर ट्रांसप्लांट या यानी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी, तो मैं उनको रिफर श्री डॉक्टर आशुतोष को ही करूँगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है और उनकी जो ऑपरेशन करने की जो उनकी जो एक माने को एक्यूरेसी है बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया है। ओके okay. जैसे बात करें कि डॉक्टर आशुतोष सा एलिगेंस टीम, उसका नेचर और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहा आपको? बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट था सभी का, हम जब आते हैं सभी पूछते हैं हमको, सामने से बोलते हैं कैसे हो सर, कैसे है, कैसी तबीयत है आपकी, कैसा लग रहा है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है और घर जैसा महसूस करवाते हैं। ओके okay. और डॉक्टर आशुतोष सा एलिगेंस टीम एलिगेंस क्लिनिक को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर।